हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि एथिकल हैकिंग लीगल है या इनलीगल है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज इसीलिए वीडियो बनाया। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ, कुछ भी बताने से पहले, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे नए नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए, उन्हें देखने के लिए। पास में बेल का आइकन है दोस्तों, उसे ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं से शुरू करते हैं। हैकर्स दोस्तों तीन तरह के होते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। मैं इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो पहले हम दोस्तों बात करते हैं यहां पर ब्लैक हैट हैकर्स की। दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो इंटेंशनली आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपके अकाउंट को हैक करते हैं, आपके वेबसाइट को हैक करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को हैक करते हैं। इनका मकसद ही आप लोगों को नुकसान पहुँचाना होता है, और इनको हम कह सकते हैं बुरे लोग। जैसे कि दोस्तों, दो तरह के जिन होते हैं, अच्छे जिन, बुरे जिन, इसी तरह हैकर्स भी दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। तो दोस्तों, जो बुरे होते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। दोस्तों, इसके बीच में जो होते हैं वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं दोस्तों जो उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन दोस्तों वो आपसे इजाज़त भी नहीं लेते हैं, बिना इजाज़त लिए आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं, आपके यहाँ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये फ्रीलांसर होते हैं दोस्तों, किसी के लिए काम नहीं करते, सभी के लिए ये काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाइट हैट हैकर्स के बारे में। दोस्तों, वाइट हैट हैकर्स अच्छे लोग होते हैं, ये इनका इंटेंशन नहीं होता है नुकसान पहुँचाने का। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से पहले इजाज़त लेते हैं कि हम आपके ऐप या सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को चेक करना चाहते हैं, आपकी कंपनी की सिक्योरिटी को चेक करना चाहते हैं। दोस्तों, ये उसमें लूपहोल ढूंढकर बताते हैं, और इसका इनाम भी मिलता है कंपनी के द्वारा। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जैसे फेसबुक या गूगल, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किसी बंदे ने उसमें लूपहोल, किसी हैकर ने उसमें लूपहोल ढूंढकर बताया और उसको कई हज़ार डॉलर का इनाम मिला। दोस्तों, कंपनीज इसके जॉब भी देती हैं, इन्होंने काफ़ी सारे लोग वहाँ इसलिए रख भी रखे हैं कि ये यहाँ देखकर बताएं, सिक्योरिटी चेक करके बताएं, यानी वाइट हैट हैकर्स को उन्होंने रख रखा है जॉब पर अपनी कंपनी के अंदर, के वो बताते हैं ढूंढ कर कि यहाँ ये लूपहोल है, यहाँ ये कोड में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ वाइट हैट हैकर्स बनना चाहते हैं तो इसके कोर्सेज हैं, आप उन्हें कीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप में स्किल है और अगर आप ये कर सकते हैं और अगर आप कोर्सेज करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे जॉब पे हों, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या गूगल हो या कहीं भी। दोस्तों, जहां भी आप अच्छे से अगर आप करके दिखाते हैं तो आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकर्स के बारे में। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है नीचे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे और वीडियोस देखने के लिए, और बेल के आइकन को यहाँ ऑन कर दें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा वीडियो अपलोड होते ही।